मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट्स का परचम तो जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं मैं हूं आप सबकी बैंकिंग अवेयरनेस की एडुकेटर तो आज की क्लास आप सबके लिए एक बैंकिंग का मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप स्टार्ट करूंगी दैट इज मनी एंड बैंकिंग स्टैटिक लेक्चर है मनी एंड बैंकिंग का और मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड हम पूरा चैप्टर इस सीरीज खत्म करने वाले हैं जिसमें साथ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास और बात करते हैं कि आज की क्लास में मनी एंड बैंकिंग में हम क्या क्या और इम्पोर्टेंट करने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक कवर होंगे हमारे आज की क्लास में आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो एक बार प्लीज ध्यान से देख लीजिए सबसे पहले का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बैंकिंग क्या होती है बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं देन हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया हमारे इंडिया में जो बैंकिंग की हिस्ट्री है बैंकिंग की शुरुआत है वो कहां से हुई है कौन से बैंक जो है इनिशियल स्टेज में सेटअप हुए सबसे पहला कौन सा बैंक है किसके द्वारा सेटअप किया गया ये सारी चीजें फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बांट दिया है इसे तीन फेज में अब हाँ बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस फेज वन की यानी जब आजादी से पहले हमारा दो सेक्शन में डिवाइड था बैंकिंग सिस्टम एक फेज वन था और एक फेज टू था तो हम हाँ इन दोनों के बारे में बात करेंगे फिर उसके बाद मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ाऊंगी यानी आजादी के बाद हमारा कैसा रहा बैंकिंग सिस्टम तो ये लेक्चर वन है रिलेटेड टू मनी एंड बैंकिंग जिसमें हम हाँ बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे तो आप सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो आप सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन बैंकिंग क्या है मैम व्हाट इज दिस बैंकिंग मींस? बैंकिंग शब्द का मतलब क्या है और हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखी है जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया या बहुत सारे एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं लेकिन उसे हम बैंक नहीं कहते तो मैम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है बैंकिंग so, क्या है वैंकिंग मीन्स बैंकिंग शब्द का मतलब क्या है बैंकिंग बेटा दो चीजों से संबंधित है वो दो चीजें क्या है बैंकिंग हमेशा दो चीजों से संबंधित होती है और वो दो चीजें क्या है तो दो चीजें हैं एक ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी यानी बैंकों का बैंकिंग शब्द का मतलब है कि हम मनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही हैं जनता से और हम लेंड कर रही हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जनता को ठीक है तो व्हाट इज दिस बैंकिंग मींस तो बैंकिंग दो चीज या दो फंक्शन को डिफाइन करता है एक्सेप्ट डिपॉजिट यानी मनी का एक्सेप्ट करना जनता से पब्लिक से और दूसरी बात यहां पर इसे करना फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बैंकिंग डिफाइन किस सेक्शन के अंदर है तो वो मैंने लिख दिया अंडर सेक्शन 59 बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये भी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पास हुआ बीस चीजें हैं बैंकिंग अवेयरनेस है कई सी चीजें हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे कब पास हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ और इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 59 सेक्शन 59 बी के अंदर बैंकिंग को डिफाइन किया गया है एज द एक्सेप्टेंस ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा जनता से लेना और उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेंड करते है वेरी सिंपल तो बैंक, बैंक क्या है एक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक के फंक्शन को परफॉर्म करता है यानी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सेवाएं और भी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है इसे हम कहते हैं बैंक तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन वर्ड बड़ा है। के अंदर बैंक है बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग सेवाएं और इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो बैंकिंग से आप यहाँ क्या समझे बैंकिंग से हम समझे ऑफ़ डिपॉजिट यानी डिपॉजिट्स का एक्सेप्टेंस करना जनता से फॉर द परिंग के लिए लेंडिंग के लिए लेंडिंग पर्पस के लिए तो ये तो दो फिक्स बैंक हैं लेकिन इसके अलावा वो और भी फाइनेंशियल सर्विसेज़ अपने कस्टमर प्रोवाइड करता है अदर फाइनेंशियल क्या क्या हो सकती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो फाइनेंशियल सेवाएं सिर्फ एक एक्सेप्टेंस और लेंडिंग तक सीमित नहीं है इसके अलावा अगर बैंक की बात करें फॉर एग्जाम्पल बैंक देता है ट्रेडिंग की फैसिलिटी अपने कस्टमर को ट्रेडिंग इज ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विस यानी आप डिमैट अकाउंट खुलवा के बैंकों के द्वारा डिमैट अकाउंट खुलवा के कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो टाइप ऑफ़ सर्विसेज़ जो बैंक प्रोवाइड करता है लेकिन यहां डिफरेंस आता है बैंकिंग में और बैंक में और एक शब्द है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ठीक है एनबीएफसी और बैंक ये दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जैसे कि मैं कहती हूं एच मैं क्या कह रही हूं एच हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन तो इट इज अ बैंक ये क्या है एक बैंक है लेकिन अगर मैंने नाम लिया मुथूट फाइनेंस का क्या मुथूट फाइनेंस एक बैंक है नहीं मैम मुथूट फाइनेंस इज नॉट अ बैंक ये कहलाता है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अब यहां पर इसके बीच में डिफरेंस क्या है, है। एनबीएफसी और बैंक एक ही तरह काम करता है लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है ऑफ डिपॉजिट का एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अलाउड नहीं होती यानी इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड नहीं करता कि वो से यानी जनता से पैसों का एक्सेप्टेंस एक्सेप्टे लेकिन ऑन द सेम और द अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक जो है वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे आरबीआई ने दोनों की इजाजत दे रखी है यानी वो एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग यहां पर ये क्या करता है एनबीएफसी ये खाता खुलवाकर आप एनडीएसी में अपने पैसे जमा नहीं कर सकते बट एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड करेगा आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगा कार लोन प्रोवाइड कर सकता है हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर सकता है आपको ट्रेडिंग फैसिलिटीज भी दे सकता है बट द मेजर डिफरेंस इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो एनडीएसी में होता है लेकिन वो बैंकों सॉरी एनडीएसी में नहीं होता है लेकिन बैंकों में बहुत सिंपल है तो यहां से हमें दो चीजें समझ में रेगुलेशन 1949 के अंदर को डिफाइन किया गया है द द फॉर ऑफ लेंडिंग। दूसरी चीज पर जो मैंने आपको बताई वो ये कि यहाँ पर जब हम बैंकों की बात करते हैं बैंक एक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंकिंग सेवाएं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर आप कह सकते हो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है उन्हें अलाउड नहीं कर रखा है ऑन द कॉन्ट्रेडी बैंक जो है उनका काम ही ये मेन फंक्शन ही प्राइमरी फंक्शन ही यही है कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंड क्लियर है डन है ये बहुत सिंपल है डेफिनेशन आप सबके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया यानी बैंकों की हिस्ट्री भारत में बैंकों का इतिहास आखिर क्या कहां से रहा है अर्लीस्ट अटेम्प्ट बात करते हैं सबसे पहला अटेम्प्ट हमारे बैंकों का एस्टेब्लिशमेंट कब का हुआ अर्ली स्टेम इन इंडिया वो स्टैब्लिश अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिस सब कैरेक्टर थे सेंट्रल बैंक के यानी शुरुआत हुई थी एक बैंक बनाने की सेंट्रल बैंक के हमने करेक्टरिस्टिक्स डाली थी और ये शुरुआत सबसे पहले हुई जनवरी 1773 में जब वॉरेन हैस्टिंग वॉरेन हैस्टिंग उस समय का कौन थे गवर्नर जनरल बंगाल के थे उन्होंने रिकमेंड किया द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार तो जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार से हमारे इंडिया में एक बैंकिंग या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई हालांकि ये पूरी तरीके से का नहीं, था। इसमें के नहीं थे जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार किसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किस ईयर में जनवरी 1773 सेवेंटी थ्री अर्लिएस्ट अटेम्प्ट सेंट्रल बैंक के स्टैब्लिशमेंट का आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की ओके ब्रिटिश आए। आफ्टर द राइवल ऑफ ब्रिटिश अगर हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं तो ब्रिटिश आने से ही हमारे बैंक सिस्टम का क्या हुआ कॉरेंट बैंकिंग सिस्टम डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और इंडिया में एक बैंकिंग सिस्टम का बहुत तेजी से प्रभाव देखने को मिला में इंडिया में बैंक चीज नहीं थी बिकॉज़ ह हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश में आ, विश्वास नहीं रखते थे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे बैंकिंग में मैं बहुत जगह आपको ये वर्ड बताऊंगी फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द का मतलब होता है लोगों को बैंकों से कनेक्ट करना तो उस समय बिकॉज इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था तो उस समय हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश आए के आने से हमारे इंडिया में बैंकों की बहुत अच्छे से शुरुआत हुई लेकिन जहां पर ब्रिटिश का फोकस इंडिया की तरफ मूव हुआ फॉरेन बैंकिंग सिस्टम जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया था अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेगा मेजर एलेक्सेंडर एंड कंपनी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है मेजर एलेक्सेंडर एंड कंपनी ने स्टैब्लिश किया सबसे पहला यूरोपियन बैंक इंडिया में ठीक है ध्यान से सुनो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये नाम था बैंक का लेकिन इट वॉज नॉट इंडियन बैंक उस समय ये भारतीय बैंक नहीं था तो अलेक्टर और अगर हम बात करते हैं इस बैंक की तो यह बैंक जो है वो स्टैब्लिश किस इन किया गया इन ईयर सेवन सेवन सत्र अगर हम इंडिया की बात करते हैं दफर फर्स्ट बैंक इन इंडिया जनरल बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1786 में करी गई लेकिन ये 1791 में फेल हो गया यानी सिर्फ इतना सा इसका टाइम पीरियड रहा 1786 में इसे एस्टेब्लिश किया गया और 1791 में ये क्या हो गया खत्म हो गया क्योंकि उस समय अगेन मैं आपको बार-बार बताने हो कि हमारे इंडिया में बैंक इतना सादा कांसेप्ट इतना सादा लोगों पर पहुंचा नहीं था आज भी अगर आप कोई नया देखोगे ना इंडिया में बहुत जल्दी लोग उसे अपनाते नहीं है जरूरी है वी हैदर ऑप्शन लेकिन उस समय जब बैंक के नाम की चीज ही नहीं थी लोग कन्विंस करना कि आप पैसा बैंकों के पास सेफ है आप अकाउंट खुलवाओ बैंकों के पास बैंकों के पास इतना पैसा रख के आओ कोई नहीं मानता आज भी अगर देखो हमारे बड़े बहुत बड़े फादर तो अब पापा लोग तो हमारे आ, हो चुके हैं कन्विंसड बैंकिंग सिस्टम से लेकिन अगर हम दादा की बात करें अपने ग्रैंडफादर्स की ग्रैंड मदर की कभी नहीं अरे मत लगवाओ बैंकों में पैसा कितना फ्रॉड होता है अरे ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आज भी उनके दिमाग में क्या है शक है बिल्कुल ऐसा ही था उस समय जब बैंकों की शुरुआत करी थी बिकॉज इंडियन कल्चर वॉज नॉट यूज टू ऑफ बैंकिंग सिस्टम उस समय हमारे बैंक बहुत ज्यादा फेल हो रहे थे और उसी में एक एग्जाम्पल मैंने लिखा जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में स्टैब्लिश हुआ 91 में फेल हो गया ये हमारा इंडिया का इंडियन बैंक था फर्स्ट ठीक है नेक्स्ट यूरोपियन बैंक सबसे पहला यूरोपियन बैंक एलेक्सेंडर मेजर एंड कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया सेवनटीन में जिसका नाम रहा था बैंक ऑफ हिंदुस्तान आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लाया हमारे इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस फेज वन का अच्छा फेज वन में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हुई फेज वन यानी जब आजादी से पहले पहला फेज था बैंकों का उस समय तो हमारे इंडिया में तीन प्रेजिडेंसी बैंकों की स्थापना तीन प्रेसिडेंसी बैंकों का कॉन्सेप्ट आज हमारे पास जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है अगर हम देखें इसकी शुरुआत कहां से हुई उसका जन्म कहां से हुआ तो इसका जन्म टू प्रेजिडेंसी बैंक है कैसे इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज वन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की और वो स्टेप था तीन प्रेसिडेंसी बैंकों का स्टेब्लिशमेंट अच्छा इस प्रेसिडेंसी बैंक क्यों कहा जाता है तो प्रेसिडेंसी बैंक को सारे सेंट्रल बैंक के फीचर्स नहीं दिए गए थे लेकिन उसके पास ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ब्रिटिशर्स ने दी थी कि आप करेंसी को नोट्स को प्रिंट कर सकते हो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आ, पावर जो है इन प्रेसिडेंसी बैंकों को दी गई थी दैट्स व्हाई ये बैंकों को हम हाँ प्रेसिडेंसी बैंक कहते हैं सब प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकटा ठीक है बैंक ऑफ कैलकटा इसे स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेकेंड जून 1806

नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड और थर्ड दूसरा और तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा रहा तो सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे किया गया जिसे 1840 1840 में स्टैब्लिश किया गया और तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ मद्रास जिसे स्टैब्लिश किया गया 1843 में 406, भाई सब 1806 भाई में ध्यान से सुनो 1806 बैंक ऑफ कैलकाटा ये फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक क्यों बिकॉज इनके पास करेंसी को प्रिंट करने की परमिशन थी दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक अठारह जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई 1840 में और थर्ड हमारे लिए है 1843 में जिसका नाम है बैंक ऑफ मद्रास इसका फोर्टी 1843 में हुआ अब नेक्स्ट अगर हम बात यहीं पर मैं आपको बता दूं ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्च किया गया था 1955 में और मर्च करके इसका नाम रखा गया था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे मैं अभी डिटेल में बताऊंगी और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब नेशनलाइज्ड किया गया ठीक है तो सॉरी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किया गया 1955 ठीक है इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में जिसको आगे जाके कन्वर्ट कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है प्रेसिडेंसी बैंक का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एक बार ध्यान से आप सारे के सारे स्टूडेंट इसे देख लो तो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ कैलकटा दीज थ्री प्रेसिडेंसी नेक्स्ट प्री इंडिपेंडेंस फेज वन की ही कहानी चल रही है अब यहाँ पर मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट दिखा दिया ठीक है जो अभी जस्ट मैं आपको बतानी थी 1806 बैंक ऑफ कैलकटा 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 सॉरी 1843 इट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है या इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया 1921 में जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाके 1955 में से नेशनलाइज किया गया नेशनलाइज मींस होता है राष्ट्रीयकरण करना राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब किसी भी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल अंडरटेकिंग अपने अधीन में ले रही है तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन करना यानी प्राइवेट बैंक को कन्वर्ट करना इनटू सरकारी बैंक क्लियर है तो यहां पर हम बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन ईयर नाइनटीन क्लियर है समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं अभी हमारा प्री इंडिपेंडेंस फेज वन ही चल रहा है ठीक है यहां पर इलाहाबाद बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ आज तक इलाहाबाद बैंक एग्जिस्ट करता है आप सब जानते हैं थोड़े समय पहले ही इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है लेकिन अभी तक इलाहाबाद बैंक था इलाहाबाद बैंक को पहला सक्सेसफुल बैंक कहते हैं इंडिया का क्योंकि इसकी इसकी शुरुआत शुरुआत कब हुई? हुई 1865 में और यह वो बैंक था जो एक्सक्लूसिवली मैनेज किया गया भारतीय के द्वारा अभी तक हमने जितने बैंक पढ़े वो जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान चला आ रहा था लेकिन वो एक यूरोपियन बैंक की तरह चला आ रहा था लेकिन बात करते हैं इलाहाबाद बैंक की एक ऐसा बैंक जो सक्सेसफुली भारतीय के द्वारा मैनेज किया गया इसकी शुरुआत 1865 में हुई और ये भी किस समय था प्री इंडिपेंडेंस फेज वन के समय नेक्स्ट अवध कमर्शियल बैंक जिसे आप ऊध कमर्शियल बैंक भी कहते हैं 18 1971 में इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया और इस बैंक को एक्सक्लूसिवली भारतीय के द्वारा मैनेज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स यानी ये भी बैंक इलाहाबाद बैंक भी एक्सक्लूसिवली मैनेज किया जा रहा था भारतीय के द्वारा लेकिन उनकी सेवाएं बहुत जगह फैली हुई थी लेकिन स्पेशली डेडिकेटेड टू इंडियंस क्रिएटेड बाय इंडियंस फॉर द इंडियंस यानी भारतीय के द्वारा और भारतीय के लिए पहला बैंक जो बनाया गया था वो था अवध कमर्शियल बैंक और इसे आप कमर्शियल बैंक भी कह सकते हो स्थापना हुई 1881 में और ये एक ऐसा कमर्शियल बैंक था जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ भारतीय थे यानी कोई और फॉरनर इसमें इंक्लूडेड नहीं था लेकिन इस बैंक बात करें तो अनफर्चुनेटली ये बैंक 1958 में फेल हो गया सेम वही चीज बैंकों पर भरोसा दिखाना हम बैंकों का फंक्शन उस समय इंडियंस को भी कहां पर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था बैंक चलाने का तो बैंकों पे भरोसा दिखाना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी था लेकिन उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट रखना था वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी था तो मैनेज इतना अच्छी तरीके से हो नहीं पाया जिसकी वजह से अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्टैब्लिश तो हुआ लेकिन फाइनली आखिरी आते आते इट वॉज फेल्ड इन ईयर नाइनटीन ठीक है आगे बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज वन में पंजाब नेशनल बैंक का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ 1894 में जिसका हेडक्वार्टर कहां पर था लाहौर में था क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है उस समय पाकिस्तान नाम का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो उस समय हमारे इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1894 में जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में था बैंक ऑफ इंडिया ही उस समय स्टैब्लिश हुआ 1906 में 1906 में बाय का हंड्रेड किया 1906 में और इसका कहां पर रहा? इसका रहा, ये सारे बैंक प्री इंडिपेंडेंस फेज वन की कहानी मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनते रहिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब गया हमारा फेज सेकेंड तो फेज वन में हमने देखा उथ कमर्शियल बैंक बना बैंक ऑफ इंडिया बना तीन प्रेसिडेंसी बैंक बने ठीक है कौन कौन से बैंक ऑफ कैलकाटा बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बंगाल ठीक है इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक बना ये सारे बैंक प्री इंडिपेंडेंस फेज वन में बने कहानी बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज टू की सबसे पहले बहुत ज्यादा जोर का झटका हमें तब लगा जब 1906 से 1913 के दौरान इंडिया में लगभग 600 बैंकों को देखा गया कि वो फेल हो गए बैंक बनते जा रहे थे बनते जा रहे थे बनते जा रहे थे कोई नहीं देख रहा था उसमें काम क्या चल रहा है फाइनली हमने रियलाइज तब हुआ जब हमने ये देखा कि 1906 से लेकर 1913 के बीच में बहुत सारी सॉरी उन्नीस से लेकर उन्नीस के बीच में बहुत सारे बैंक बने भी और आखिरी जाके 1913 से 17 के बीच में बहुत सारे बैंकों का क्या हो गया फेलियर भी हो गया सॉरी यहां पर बहुत सारे बैंक हमारे बने जैसे कि मैंने लिखा है बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ कैलकाटा इंडियन बैंक बड़ोडा सेंट्रल बैंक मैसूर ये सब की स्थापना हुई बनते जा रहे थे बैंक बनते जा रहे थे बैंक बनते जा रहे थे बैंक हुआ क्या चार साल 1913 से 17 के दौरान सिर्फ चार साल के अंदर लगभग 600 यानी 588 तो भी एग्जैक्ट मैंने नंबर यहां पर लिख दिया है लेकिन लगभग 600 बैंक यहां पर क्या हो गए खत्म हो गए और ये झटका था हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मिला और यहीं पर हमें रियलाइज हुआ कि सिर्फ बैंक बनाना ही एक काम नहीं है यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बैंकों के लिए एक ऐसा एक ऐसी अथॉरिटी लेकर आनी पड़ेगी जो बैंकों का रेगुलेशन करे जो बैंकों का संचालन करे तो ये चार साल यानी 1913 से 17 के दौरान ये चार साल में जब 588 बैंक्स का फेलियर हुआ उसके बाद सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहानी हम बात में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर यह पूछा जा सकता है बैंकिंग क्राइसिस पीरियड किस ईयर से किस ईयर के दौरान चला तो बैंकिंग क्राइसिस पीरियड 1913 से 17 के दौरान चला ठीक है नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पर तीन प्रेसिडेंसी बैंकों का मर्जर हुआ मैंने चार्ट के थ्रू आपको पहले ही समझा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मर्जर उस टाइम पर हो गया था बैंक ऑफ कैलकटा बैंक ऑफ बेंगोल और बैंक ऑफ बॉम्बे ये तीनों बैंक को मर्च करके बनाया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन ईयर 1921। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है प्री इंडिपेंडेंस फेज सेकेंड का आगे बढ़ते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज सेकेंड में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया ठीक है क्योंकि यहाँ पर चार साल के अंदर फाइव एट्टी खत्म हो गए तो हमने रियलाइज किया कि हमें जरूरत है इस चीज की जरूरत है बैंकों की अथॉरिटी की जरूरत है रेगुलेटरी बैंक की जरूरत है और कह सकते हो सेंट्रल बैंक की जरूरत है जो सारे बैंकों का संचालन करे और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया इन ईयर 1935 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1934 में

लेक्चर पूरा बड़ा एक लेक्चर है जिसे हम डिटेल में आने वाले क्लासेस में जरूर से बात करेंगे फिलहाल आप इतना समझिए बिकॉज प्री इंडिपेंडेंस फेज वन में हमें देखने को मिला कि हमने बहुत सारे बैंक जो है बर्बाद कर दिए बहुत सारे बैंक 1913 से 17 के दौरान खत्म हो गए सेंट्रल बैंक के कॉन्सेप्ट्स में लेकर आया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1935 में हुई इन अकॉर्डिंग्स विद एक्ट 1934 एंड इट वाज अ प्राइवेट बैंक विद द कैरेक्टर्सिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल बैंक यानी एक प्राइवेट बैंक था लेकिन सेंट्रल बैंक था और शुरुआती बिकॉज़ उस समय हमारे इंडिया में राज किसका था ब्रिटिशर्स का तो इसके सबसे पहले गवर्नर भी ब्रिटिशर ही थे तो कमेंट सेक्शन में मीन वाइल आप सारे के सारे स्टूडेंट मेरे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर से देंगे कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर का नाम क्या था कमेंट सेक्शन में सारे के सारे स्टूडेंट्स को इस बात का जवाब देना है ठीक है जरूर से ओके okay. आगे बढ़ते हैं आरबीआई का हेड ऑफिस हेडक्वार्टर इनिशियली कलकत्ता में लेकिन बाद में उसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया तो शुरुआती इसका जो है 1935 से लेकर 37 के बीच 35 से 37 एंडिंग ऑफ 36 ठीक है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था Then 1937 onwards it was shifted to Mumbai. बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया क्लियर है डन है समझ में आ गया ओके पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की बात करते हैं आजादी के बाद अब क्या हुआ आजादी से पहले तो हमने पढ़ लिया आजादी के बाद क्या हुआ आजादी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज यानी राष्ट्रीय किस ईयर पे 1949 पे क्योंकि मैंने आपको यही बताया आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी लेकिन वो एक प्राइवेट बैंक की तरह करी गई थी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस थे लेकिन एक निजी बैंक था आजादी के बाद सरकार ने क्या किया आरबीआई को अपने कंट्रोल अपने अंडरटेकिंग अपने आधीन में लिया 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया उसके बाद 1955 में बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज किया गया कहानी याद है बैंक ऑफ कैलकाटा बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बंगाल तीनों को मर्ज किया गया था 1921 में ठीक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया प्राइवेट बैंक था आखिरी में जब आजाद हो गया भारत उसके बाद आके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया समय सबसे बड़ा बैंक था और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्रोल पे लिया किया 1955 में और फिर उसका नाम करके रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियर है और कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पर गोर वाला कमिटी के रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो है ही कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे है एसबीआई इस ईयर में बना नेशनलाइज कब हुआ कौन से तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे कब मर्ज करे गए प्रेसिडेंसी बैंक का नाम क्या है मैं बता रही हूं यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसे रट लेना है ठीक है डन है चलो आगे बढ़ते हैं 1959 में आजादी के बाद सेवन रीजनल बैंक्स इनको भी नेशनलइज किया गया और इन्हें एसोसिएट बैंक का स्टेटस दिया गया एस के तुम थोड़े समय पहले ये नाम सुनते होंगे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनखोर नाम सुने है ना तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर नाम सुने है ना तो ये थे स्टेट बैंक के एसोसिएट्स अभी इसे रिसेंटली सबके अंदर SBI के अंदर मर्ज कर दिया गया पहले ये अलग अलग बैंक थे अब ये एक ही बैंक है ये शुरू कहां से हुआ था 1959 में जब सात रीजनल बैंक थे सेवन रीजनल बैंक और इन रीजनल बैंक्स को क्या किया गया इन रीजनल बैंक को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एसोसिएट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टिल क्लियर है डन है ठीक है तो ये था आप सबका इंट्रोडक्शन टू तो बैंकिंग सिस्टम की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने बैंकिंग शब्द के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा बैंक क्या होता है बैंक एनबीएफसी से डिफरेंट कैसे होता है और हमने तीन इंपॉर्टेंट फेज की बात करी हिस्ट्री में शुरुआत में प्री इंडिपेंडेंस फेज वन फेज टू और पोस्ट इंडिपेंडेंस एसबीआई के बारे में मैंने आपको बताया आरबीआई क्यों आया बैंकिंग क्राइसिस कब हुई ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में पढाई सेकेंड लेक्चर में मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगी और आपको और कहानी समझाऊंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो नेक्स्ट क्लास आप सबकी अगेन थर्सडे को ही आप सब से मैं मिलूंगी और आप सबको मैं इसके आगे की कहानी समझाऊंगी उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप सबको बहुत पसंद आई होगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक like और शेयर जरूर से करिएगा सारे के सारे स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच मिलती हूँ आप सब से नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एवरीवन बाय बाय गाइस टेक केयर बाय बाय